इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बसपा सांसद मल्लुक नागर के ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। इन छापों के जद में हापुड़, गढ़, ग्रेटर नोएडा में परी चौक, बिजनौर और दिल्ली के ठिकाने शामिल हैं। बड़े पैमाने पर हो रही इस छापेमारी में मल्लुक नागर के ससुराल व अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया। हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुचेश्वर चौपला रोड पर दूध प्लांट और आवास पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। छापे से पूर्व पुलिस ने मल्लुक नागर व उनके भाई लखीराम नागर के आवास व प्रतिष्ठानों को घेर लिया था। आयकर विभाग की घेराबंदी कुछ इस कदर की गई है कि किसी को भी भीतर नहीं तो जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर आने की इजाज़त है। सभी के मोबाइल एक साइड में रखवा लिए गए हैं। बता दें कि मल्लुक नागर लोकसभा में बसपा के उपनेता थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सितंबर में उन्हें उपनेता पद से हटा दिया था और राम शिरोमणि वर्मा को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया था। मल्लुक नागर बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के सांसद हैं, जबकि उनके भाई लखीराम नागर कैबिनेट मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह छापा बीते 6 साल के दौरान आयकर रिटर्न में कारोबार कम दिखाने को लेकर पड़ा है, जबकि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कारोबार कहीं ज्यादा का हुआ था, लेकिन कागजों में इसे कम दर्शाया गया है। इस मामले में मल्लुक के सीए से भी पूछताछ होने की संभावना जताई जा रही है। मल्लुक नागर की कंपनी का मूल काम डेयरी का है, यहाँ से लंबे समय से मदर डेयरी को वह अपना दूध सप्लाई करते हैं। फर्स्ट बाइट के बिजनौर संवाददाता प्रदीप त्यागी ने बताया कि आज सुबह से ही आयकर विभाग की टीम छापेमारी में लगी हुई है। विदुरकुटी स्थित आवास पर फिलहाल आयकर विभाग का कब्जा है। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा हुआ है, जबकि अंदर विभाग अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। अभी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।